खबर सामने आ रही है। 40 बच्चियां दी सेहत विगड़ी है ता स्कूल दे प्रबंधकां दे वल्लों गेट बंद कर दिते गए ने। बच्चियां दे मुताबिक लगातार दिवाली तो बाद खाने दे विच दिक्कत आ रही सी, कदे कीड़े मकोड़े निकल रहे सन ते इस दरमियान बच्चियां दी सेहत जिहड़ी है विगड़ चुकी है, जिस तो बाद सरकारी हस्पताल विखे इन्हां बच्चियां नूं इलाज दे लई भर्ती करवाया गया है। तां परिवारिक मैंबरां दे वल्लों वी बच्चियां दे हंगामा कीता जा रहा है। मौके दे उत्ते MLA नरिंदर कौर पराज पहुंचे ने। तां तस्वीरां दे विच तुसी वेख सकदे हो संगरूर दा मेरिटोरियस स्कूल है, जिथे कि खाना खाने दे नाल बच्चियां दी सेहत विगड़ चुकी है, जिस तो बाद हस्पताल विखे उन्हां नूं भर्ती करवाया गया है। तां कुछ बच्चे जिहड़े आ स्कूल दे अंदर ने, मापियां नूं भी अंदर नहीं जान दिता जा रहा है। स्कूल दे प्रबंधकां दे वल्लों गेट बंद कर ले गए ने। तां सिक्ख्या मंत्री दे वल्लों भी जो है इस मामले नूं लैके कहा गया है कि जिस दे वल्लों एक कोताही की गई है सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो बच्चों के मुताबिक कि दिवाली तो बाद लगातार खाने दे विच दिक्कत आ रही सी, कीड़े मकोड़े निकल रहे सन ते बीते दिनी जो है एक जो खाना दिता गया उस तो बाद इह सेहत विगड़ी है। तो तस्वीर मौके दीआं तुसीं वेख सकदे हो कि मौके दे उत्ते MLA नरिंदर कौर पराज पहुंचे ने। हालांकि सिक्ख्या मंत्री दे वल्लों भी सख्त कार्रवाई करन दे आदेश जिहड़े आ जारी कर दिते गए ने। तां बच्चों के मुताबिक उन्हां दे वल्लों लगातार शिकायतां स्कूल दे प्रिंसीपल अते अध्यापकां नूं इस बाबत दित्तियां जा रहियां सन कि खाना सही नहीं मिल रहा। तां हुण जो है जो स्कूल दे प्रबंधकां दे वल्लों गेट बंद कर ले गए ने, मौके दे उत्ते MLA नरिंदर कौर पराज पहुंचे ने, जिन्हां दा कहना है कि सारे मामले दी घोख करन तो बाद ही जो है असल सच सामने आएगा। तो तुसी तस्वीरां उस स्कूल दीआं वेख सकदे हो कि जिन्हां दे वल्लों गेट बंद कर लिया गया, पुलिस प्रशासन पहुंची है, जांच पड़ताल शुरू कर दित्ती गई है, क्योंकि एक नहीं बल्कि इकट्ठे 40 बच्चों की सेहत विगड़ी है। अते सेहत विगड़न का कारण यह कहा जा रहा है कि जो होस्टल दे विच खाना दिता जा रहा सी वो सही नहीं सी, जिस तो बाद बच्चों की सेहत विगड़ी है। तो बच्चों के मुताबिक कि होस्टल दे अंदर भी कई बच्चे जड़े है बीमार पए ने, पर स्कूल दे वल्लों गेट जड़े है बंद कर ले गए ने। तो मौके दीआं तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं कि MLA नरिंदर कौर पराज भी पहुंचे ने, कि जदों उन्हां नूं पता लगा कि ये मेरिटोरियस स्कूल दे 40 बच्चे बीमार ने, सरकारी हस्पताल दे विच इलाज के लिए उन्होंने भर्ती करवाया गया। तो कुछ बच्चे स्कूल के अंदर भी मौजूद ने, परिवारिक मैंबर जड़े है मापे इस वेले टेंशन दे विच ने, क्योंकि उन्होंने स्कूल के अंदर नहीं जान दिता जा रहा, स्कूल के प्रबंधकों के वलों गेट बंद कर ले गए ने। तो स्कूल के प्रबंधकों की वड्डी लापरवाही कह सकते हैं, बच्चों की जिंदगी दे नाल एक खिलवाड़ किया गया है कि गलत खाना जड़ा दिता गया, जिस तो बाद बच्चों की सेहत विगड़ी है। 40 के करीब बच्चे जड़े है बीमार होए ने, सरकारी हस्पताल दे विच उन्हां नूं इलाज दे लई भर्ती करवाया गया। मौके ते MLA नरिंदर कौर पराज पहुंचे ने। दूजे पासे जदों ये मामला भगदा वेख्या तां स्कूल दे प्रबंधकां दे वल्लों गेट जिहड़े है बंद कर दिते गए ने। तां माँ प्यो काफ़ी टेंशन ते फिकरां दे विच ने, क्योंकि उन्हां नूं भी स्कूल दे अंदर नहीं जान दिता जा रहा। 12-13 दिन हो गए सानू खाना गलत दिता जा रहा। अच्छा जी, खाना खराब है जी, खाना बेजमी बेकार है, बच्चा खाने योग खाना दे ही नहीं रहे। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਬੱਚੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਵਿਦ ਕੰਪਲੇਨ ਆਫ ਪੇਨ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫੂਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਸਟੇਬਲ ਸੀਗੇ, 14 ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਅਤੇ 35 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ? खाना तो देखो सारे ने एक ही खाधा है, मतलब खाने की ही वो लग रही है, उसके लिए असी फूड सैंपलिंग ली टीम भेज दी गई है, सैंपल्स लाए जी। हाँ जी, टीम नू कहा गया, टीम चली गई है और सैंपल्स भेजे जाएंगे। नहीं, बच्चे स्टेबल है सर। रात जी 14 जड़े बच्चे उन्होंने छुटकार भेज दिता गया सी, बाकी इस टाइम साढ़े को 39 है इस टाइम। बच्चों को 4-5 दिन तो दिक्कत ही खाने की जी?
दिवाली तो बाद जी मतलब के सू अज राती कल फोन कर इंचार्ज का जी कहते खाने च प्रॉब्लम आ रही है तो तुम आके भी मतलब कन्फर्म करो माड़ा मोटा जी उन्होंने अभी क्या चल अभी देखते हैं जी कदम बच्चों होर पुछया क्या चल सर क्या दिक्कत तो देख लो तो राती मतलब के बच्चे दाखिल करना पै गया जी मूँह चो झग वगैरह जी तो सू कोई दस्या नहीं प्रिंसीपल साहब ने यह जी मैरिटोरियल स्कूल घावद जी नहीं नहीं सानू तो मौका ही नहीं दिता जी सानू तक तो गल ही नहीं पहुंची जी साढ़े तक तो गल ही नहीं पहुंची जी असी भी रोके कला जी मानसा जिला जी हाँ जी बेटी है मेरी जी अंशिका जी प्लस टू च जी अगे ना बैटर जी सानू इंचार्ज का फोन गया जी हुण हाँ जी अज सवेरे जी रात दी तां एडमिट है जी उरे हाँ जी हाँ जी मंग करते सानू इंसाफ बच्चे खाना सही मिलना चाहिए मतलब पड़ताल होनी चाहिए इस गल की जी बच्चे सुंड कीड़े मकौड़े निकले ने खाने चो जी ठेकेदार से इंक्वायरी होनी चाहिए है जी।